ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माय टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। आबादी में मुख्य अजमेर रोड, जनपद श्यामनगर, सीसी रोड, पंचेवाला में जीरो सेटबैक पर होटल कॉम्प्लेक्स, व्यवसायिक मॉल का निर्माण बड़े लेवल पर होना, जेडीए का मार्गदर्शक बने रहना सामान्य घटना नहीं है। पार्किंग की गहराती समस्या के बाद भी जीरो सेटबैक और भवन विनियमों को तार तार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे व्यवसायिक मॉल और होटल्स के निर्माण में जेडीए की बड़ी मिलीभगत की पोल खोल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन जेडीए मूक दर्शक बना बैठा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शहर में हो रहे अवैध निर्माण ही जेडीए की हकीकत को बयां कर रहे हैं। मुख्य अजमेर रोड पर निर्माण नगर ई ब्लॉक में ओम स्वीट शोरूम और 65 कमरों की बड़ी होटल की इमारत तैयार हो रही है। बिल्डिंग निर्माण में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए अधूरे निर्माण में बिजनेसमैन ने भूतल में मिठाई का बड़ा शोरूम शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेडीए ने इमारत पर कार्रवाई करना तो दूर, निर्माण तक नहीं रुकवाया। इस इलाके में पार्किंग की पहले से ही समस्या है। ऐसे में व्यवसायिक होटल के शुरू होने पर पार्किंग के बदतर हालात हो जाएंगे। ऐसे ही ईगल रेस्टोरेंट के बड़े हिस्से में होटल का निर्माण हो रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। मंगल विहार मुख्य सिरसी रोड पर व्यवसायिक मॉल जीरो सेटबैक पर बन रहे हैं। जेडीए की मूकदर्शिता ने कई सवालों को खड़ा कर दिया। ऐसे होटल्स और व्यवसायिक मॉल बिना अनुमति बन रहे हैं। मुख्य अजमेर रोड पर भी टैगोर नगर में भूखंड संख्या 361 के पास बड़े लेवल पर व्यवसायिक मॉल हॉस्पिटल बन रहे हैं, जिनके पास जेडीए की अनुमति तो दूर, सामान्य नियमों का भी पालन नहीं कर रहे। जब फर्स्ट इंडिया के संवाददाता ने मौके पर जानकारी हासिल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जेडीए के अफसर आते तो हैं, फिर भी अनुमति के बिना क्या निर्माण हो सकता है। होटलों का निर्माण 4 माह से चल रहा है। जेडीए को दिक्कत होती तो इतना निर्माण कैसे हो जाता। बदस्तूर निर्माण जारी रहने से आम लोगों में भी अब यही धारणा बन रही है कि भले ही अवैध निर्माण हो, लेकिन बड़े लोगों के मामले हैं और जेडीए में मिलीभगत की गहरी जड़ें हैं। ऐसे में शिकायतों पर कौन गौर करके कार्रवाई करेगा। व्यस्तम अजमेर रोड की इस दशा के गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं। शाम के समय पार्किंग की समस्या से आवागमन बाधित होने लगा है और यातायात जाम होने लगा है। अगर ऐसे व्यवसायिक मॉल और होटल्स का निर्माण जारी रहा तो सुबह और शाम यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, रेंग रेंग कर यातायात चलेगा। जेडीए की मिलीभगत के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाते हुए जेडीए आयुक्त तक पहुंचाई है। लोगों को उम्मीद है कि शायद सुखद परिणाम आएंगे। राम सिंह राजावत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।